नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सेन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, ICC क्या है, टाइप ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फंक्शंस क्या हैं, या फिर अगर हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बनते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या बेनिफिट होते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फीस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, या हाउ मेनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैन बी अवेलेबल। तो ये सब क्वेश्चंस का हमें आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे मेरे साथ में। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, देखिए बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स आपको कि वो नॉन प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसका जो मकसद है वो प्रॉफिट बनाना है, वहां से बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस को प्रमोट करना उनका मकसद है। और वो कोई गवर्नमेंट के द्वारा या किसी लीगल अथॉरिटी के द्वारा नहीं बनाया गया है, वो बनाया गया आप और हमारे द्वारा, यानी जो भी बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, वो सब ने मिलकर आपस में बनाया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, जो कि एक स्ट्रक्चर के रूप में अभी सामने उभर के आया है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, इज चैम्बर ऑफ कॉमर्स लिमिटेड टू ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट? नो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज फॉर द लोकल बिजनेस, रीजनल बिजनेस, नेशनल बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आपने सुना होगा ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कई बार मैंने अपने वीडियो में भी बताया फ्रेंड्स। तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स लोकल बिजनेस को भी प्रमोट करता है और नेशनल बिजनेस को भी प्रमोट करता है और इंटरनेशनल बिजनेस की ट्रेड को भी प्रमोट करता है फ्रेंड्स। अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, फंक्शन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कितने टाइप का होता है, या मतलब वो फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स फंक्शन बताने से पहले मैं फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन का दबाना मत भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो आए वो पहुंचे सबसे पहले आपके पास फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं फंक्शन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हेल्प करता है बिजनेस प्रमोशन के, यानी बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है, ट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो, ये मकसद रहता है चैंबर ऑफ कॉमर्स का, कोई भी चैंबर ऑफ कॉमर्स को आप ले लीजिए। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग इंटर स्टेट गुड मूवमेंट्स, यानी इंटर स्टेट गुड मूवमेंट्स, जो गुड्स मूवमेंट होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में गुड्स जाते हैं, तो उनका मॉनिटरिंग करता है, गवर्न करता है और उनको देखता है क्या हेल्प उनको लगता है, तो वो हेल्प उनको देता है, वो हेल्प उनको प्रोवाइड करता है। कॉपीराइट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डुप्लीकेसी, यानी आपका जो ट्रेडमार्क है, आपका ट्रेडमार्क बनाने में ये आपका सपोर्ट करता है, और अगर आपके प्रोडक्ट का कोई कॉपी कर रहा है तो वहां पर ये आपको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द डुप्लीकेशन ऑफ योर ओरिजिनल प्रोडक्ट। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, चैंबर ऑफ कॉमर्स प्रमोटिंग द बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है, यानी आपको जैसे कोई पॉलिसी बनानी है, कोई आपका डिस्प्यूट है, या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट वो है क्लियर नहीं है आपस में सेलर्स और बायर के बीच में, तो ये उस पॉइंट को क्लियर कराते हैं और उसमें पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं। कहीं पे रोड ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, या फिर किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि फिजिकली आपको चाहिए, तो वो भी ये गवर्नमेंट से आपको दिलवाते हैं, या फिर इनके खुद के पास में भी फंड होता है, तो किसी न किसी तरह वो आपके लिए मैनेज करना पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस हो या फिर नेशनल बिजनेस भी आगे बढ़े फ्रेंड्स। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं उनका फंक्शन, दैट इज वेट और मेजरमेंट, तो उनका वो वेट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और कहीं पे भी कोई डिस्प्यूट होता है तो वहां पे डिस्प्यूट में वे डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को भी गवर्न करते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं प्रोटेक्ट लेबर लॉज, तो लेबर लॉज को भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे आपने फैक्ट्री एक्ट 1945, फैक्ट्री एक्ट 1950, तो ये सब जो एक्ट बने हुए हैं, फैक्ट्री एक्ट्स बने हुए हैं, जैसे आपने देखा कि कोई टी स्टॉल है, चाय की छोटी दुकान है, छोटा बच्चा 10 साल 8 साल का बच्चा बर्तन साफ कर रहा है, तो हमें मतलब चाइल्ड को एज ए लेबर नहीं रखना है, या फिर उसको काम पे नहीं रखना, उसका अभी टाइम है पढ़ने का, ग्रो करने का, तो खेलेगा, पढ़ेगा, ग्रो करेगा, आगे बाद में बिजनेसमैन बनेगा फ्रेंड। तो ये प्रोटेक्ट लेबर लॉ को प्रोटेक्ट करता है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं मार्केटिंग की, तो ये प्रोडक्ट मार्केटिंग में भी आपकी सपोर्ट करता है, बिजनेस की सपोर्ट
सपोर्ट करता है और बिजनेस को बढ़ावा किस तरीके से मिल सकता है वो इनका मोटिव रहता है। लॉजिस्टिक की बात करें तो लॉजिस्टिक भी ये प्रोवाइड करने में सपोर्ट करते हैं। अगर किसी को लॉजिस्टिक चाहिए, कहाँ से लॉजिस्टिक मुझे मिल सकता है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन होते हैं, ट्रक यूनियन होती है, ट्रांसपोर्टेशन यूनियन होती है, तो इनके पास भी सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स अब आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस भी इनके द्वारा आपको, अभी तो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज सामने आ गई है, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी इंपॉर्टेंस अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ पॉलिसी फॉर्मेशन की, जैसे मैंने पहले भी बताया, पॉलिसी फॉर्मेशन भी ये सपोर्ट करते हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन भी करके दे दी, किस पॉइंट पे आपको स्टैंडर्ड्स बना के दे दें कि आपको ऐसे ही बिजनेस करना है तो आपका कोई डिस्प्यूट नहीं आने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ इनकोटम, इनकोटम भी ये बनाने में हेल्प करती है। इवन इनकोटम पूरा ICC बनाता है, जो इंटरनेशनल मार्केट में इनकोटम बनता है, तो जैसे CIF में आपका बिजनेस है या फिर आपका ट्रेड FOB में हो रहा है या फिर DDP में हो रहा है, तो ये सब कौन कौन से इनकोटम होते हैं वो सब के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे, अगर वो आपने नहीं देखा तो फ्रेंड्स उसको भी जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो वो बना है ICC ने, ICC क्या है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे फ्रेंड्स। अगर मैं टाइप ऑफ CC की बात करूँ, टाइप ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो रीजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिए के, और नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहते हैं, यानी हर कंट्री में अपना एक एक नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहते हैं। और अगर मैं ICC की बात करूं, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहता है, जिसका काम है ट्रेड को बढ़ावा देना, यानी कैसे ना कैसे ट्रेड बढ़े और बिजनेस पूरे वर्ल्ड वाइड ग्रो हो फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं हाउ मेनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स कितने हो सकते हैं, तो दैट इज नॉट फिक्स्ड, किसी भी कंट्री में कितने भी चैंबर ऑफ कॉमर्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट रिक्वायरमेंट। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में हमारे 18 चैंबर ऑफ कॉमर्स है फ्रेंड्स। तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में 7 चैंबर ऑफ कॉमर्स है, गुजरात में भी 3 चैंबर ऑफ कॉमर्स है, तो जहां जिस स्टेट जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले वहां से आप पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ चैंबर ऑफ कॉमर्स कौन सा लगता है। पूरी हिंदुस्तान की अगर बात करें तो वी आर हैविंग अराउंड 48 चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। अगर मैं बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स, तो चैंबर ऑफ कॉमर्स का मेंबर कौन बन सकता है, तो चैंबर ऑफ कॉमर्स का मेंबर कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, कोई एक छोटी दुकान वाला भी बन सकता है, बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता है, छोटा बिजनेसमैन भी बन सकता है फ्रेंड्स। तो चैंबर ऑफ कॉमर्स का मेंबर आप बन सकते हैं, और उसमें क्या क्या बेनिफिट है हम आगे भी बात करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ICC, यानी ICC क्या है, इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स, जिनका हेडक्वार्टर पेरिस में है, और मैं भी यहाँ आप फोटो में भी देख सकते हैं, मैं भी गया था फैमिली के साथ में भी, तो फैमिली को ले जाने से एक फायदा होता है कि उनका भी घूमना फिरना होता है और हमारा बिजनेस का काम भी हो जाता है, तो वो भी खुश हम भी खुश, तो आप भी ऐसे खुश रहते रहते, आप भी कहीं बाहर जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो फैमिली को साथ में लेके जाएं, तो मैं भी एडवाइस करूंगा फ्रेंड्स। अगर ICC की बात करें तो उसमें अराउंड 46 मिलियन कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और अगर बात करूं मोर देन 100 कंट्रीज, यानी अगर बात करें कि 195 कंट्रीज ट्रेड कर रही, तो ICC ने मोर देन 100 कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और वो पॉलिसी फॉर्मेशन में आगे काम करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, यानी चैंबर ऑफ कॉमर्स के क्या क्या बेनिफिट होते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बेनिफिट है बिग नेटवर्क, यानी देखिए आप अकेले कुछ काम नहीं कर सकते, जैसे मैंने अभी नया नया कोई बिजनेस चालू किया है, तो जब तक मेरे पास में नेटवर्क नहीं है तो बिजनेस ग्रो होना मुश्किल है, बिजनेस नहीं ग्रो होगा, बिजनेस ग्रो होता है आपका बिग नेटवर्क से। यानी जैसे ही आप चैंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बनते हैं, जैसे चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ आप जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो आपको वहाँ से बहुत सारे रास्ते दिखाई देने लगते हैं, लोगों से बात होती है और आपको डिफरेंट डिफरेंट विंडोज़ आपके लिए ओपन हो जाती है। अगर ट्रेनिंग की बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रेनिंग देने में भी पीछे नहीं रहता, वो लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करें बिजनेस कल्चर डेवलपमेंट करते हैं, यानी आपको जैसे आप अगर नए हैं, आप जॉब बैकग्राउंड से आए थे, तो आपको अगर बिजनेस का कुछ भी आइडिया नहीं है, तो बिजनेस कल्चर वो लोग डेवलप करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में वो सेमिनार भी करते रहते हैं। अभी तो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो अभी वेबिनार
वेबिनार कर रहे हैं, तो इसी टाइप से बिजनेस कल्चर वो लोग डेवलप करते हैं। अगर मोटिवेशन की बात करें तो आप वहां से जुड़ते हैं तो वहां से आपको मोटिवेशन भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। अगर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो वो आपको दिलाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। जैसे कई बार हमने अपनी वीडियो में भी इसका जिक्र किया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, यानी कई कंट्री ऐसे मांगते हैं कि एक प्रोडक्ट कौन सी कंट्री में बना हुआ है, तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देने के लिए ऑथराइज है ओनली सीसी, यानी आपका चैंबर ऑफ कॉमर्स। तो आप भी जिस एरिया में रहते हैं वहां का चैंबर ऑफ कॉमर्स देखिए और उनके मेंबर जरूर बनिए फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वहां पर आपको बायर और सेलर का जो डाटा है उसकी डायरेक्टरी भी आपको मिल जाती है, तो आपके लिए बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स डिस्काउंट सम टाइम, यानी कई बार आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप चैंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर है तो आपको कई बार डिस्काउंट मिलने के भी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स, ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो वहां से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा वो ट्रस्ट वाला मिलेगा, उसमें कोई फेक नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स एंड इवेंट्स की, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स एंड इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं व्हाट इज द फीस ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स, तो वो डिपेंड करता है, नॉर्मली 1000 से 10000 तक भी रह सकता है फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर इसको आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।